बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा और नया डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ट्राउज़र को कट कर लिया है और इसकी नीचे से चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए ट्राउज़र के साथ की ही मैंने ये पट्टी ली है, तकरीबन 5.5 इंच चौड़ी, और लेंथ इसकी ज़्यादा ले लें क्योंकि इसमें पिनटैक्स डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा तो बाद में कट जाएगा। इस तरह बारीक बारीक मैं पिनटैक्स डाल लूँगी इस फैब्रिक में। इस तरह से देख लें, ये बारीक बारीक पिनटैक्स डाल लें और तकरीबन 1/2 इंच के फासले पर या 1-1 इंच के फासले पर इस तरह मैं बारीक बारीक पिनटैक्स जो है वो इस फैब्रिक पर डाल लूँगी पूरी पर। और पिनटैक्स डालने के बाद चौड़ाई नाप लें, जितना आपका चौड़ा पैंचा है उस हिसाब से पिनटैक्स का कपड़ा बना लें। इस तरह से देखिए, प्लेटें मैंने बारीक बारीक सी डाली हैं और अच्छे से प्रेस भी कर लिया। प्रेस करने के बाद इसका सेंटर भी मैंने कर लिया है। अब ये चकोर पीस लूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए, तकरीबन 2.5 इंच चौड़े, 2.5 इंच दोनों तरफ से इस तरह के चौरस पीस कट कर लिए हैं मैंने। और अब इस तरह से देखिए, अंगूठे और उंगली की मदद से कोने से मैं इस तरह बल देना शुरू करूँगी ऐसे, तो खुद ब खुद इस तरह बल आ जाएंगे इसमें। और इसको इस तरह से दोनों सिरों को इस तरह से इकट्ठा करूँगी, तो ये देखें पंखड़ी की तरह हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। नीचे सिलाई लगाकर एक अच्छी सिलाई लगा लें साथ के साथ इस तरह से। ये देखें, दोबारा मैं आपको कर दिखा देती हूँ। ऐसे हमने टाइट टाइट सा फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है वो रोल हो जाएगा इस तरह, बिल्कुल टाइट हमने रोल कर लेना है। और जब हम सेंटर में आएंगे तो उसको छोड़ इस तरह दोनों सिरों को मिलाकर पंखड़ी की तरह हमने जैसे गुलाब की पत्ती होती है इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना लेना है। सारे पीस ही मैं ऐसे ही तैयार करूंगी और कच्ची सिलाई लगाकर इनको तैयार कर लूंगी। ये देखें इस तरह से जो है बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो जाएगा। नया डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन को आप अपने दामन पर भी बना सकते हो, स्लीव पर भी बना सकते हो। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और इजीली पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली मेंबर्स में शेयर भी ज़रूर किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर किया करें। अब जो नीचे का ये पंखड़ियों का फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उनको मैं ऐसे कट कर दूंगी। सारी ये पंखड़ियाँ इस तरह तैयार कर लूंगी और तैयार करने के बाद ये मेरा ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर ही डायरेक्ट मैं इसको रखकर सिलाई करूंगी इनको। अगर आप पेज पर किसी पर रखकर सिलाई करना चाहें तो पेज पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्राउज़र के सिरे पर ही नीचे पैंचे पर रखूँगी और उल्टा कर कर रखूँगी। जहाँ से हमारा ये सीधा है वहाँ से सीधा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखूँगी पंखड़ियों का, उल्टा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रखूँगी। और ये देखें, सिरे की सिलाई मैं लगा लूँगी इस तरह, जोड़ जोड़ कर रख लें और मैं रख लूँगी और सिरे की सिलाई लगा लूँगी। फासला भी हमारा एक जैसा होना चाहिए और ऊपर का जो फासला है वो भी एक जैसा ही होना चाहिए। नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लें
कट करने के बाद जो ये पिनटेक्स वाला फैब्रिक मैंने तैयार करके रखा था, इसको अब मैं इसके साथ ज्वाइंट कर दूंगी। सेंटर का निशान ट्राउज़र के सेंटर का निशान आपस में मैच करना चाहिए ताकि हमारा दोनों तरफ से डिज़ाइन एक जैसा ही बने। अब जो सिलाई मैंने लगाई हुई है पंखड़ियों को स्टिच करने के लिए, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी पंखड़ियाँ हैं वो आधी आधी सिलाई के अंदर चली जाएं। उससे थोड़ा सा ऊपर करके हमने सिलाई लगानी है, दूसरी सिलाई। ये देखिए, अब ये हमारी सिलाई जो ज्वाइंट करने के लिए पिनटेक्स को इसके साथ वो भी लग चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब ऊपर के सिरे की सिलाई भी मैं लगा लूँगी। इस तरह से दोनों तरफ से कपड़े को खींच कर लगाएं ताकि झोल वगैरह ना आए, या फिर अच्छे से पहले प्रेस कर लिया करें फिर सिलाई लगाया करें। अब नीचे लगाने के लिए ये मैंने पेस्टिंग बुकरम की तकरीबन पौना इंच, ये देखिए पौना हाफ इंच या पौना इंच चौड़ी पट्टी लेकर फैब्रिक पर चिपका ली है। फैब्रिक का मेरा ये पट्टी का कपड़ा थोड़ा था तो मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया है बीच में, और इस तरह से पिनटेक्स वाला कपड़ा इसके ओपन वाली साइड में हमने इसके अंदर डालना है। एक साइड हमने ओपन रखनी है दोनों तरफ से फोल्ड कर कर, और पिनटेक्स वाला जो कपड़ा है वो इसके अंदर डालकर बिल्कुल हमने किनारी पर सिलाई लगानी है सफाई से। कोशिश क्या करें हर काम जो है वो नीटली नज़र आए ऊपर से। किनारी पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब जो नीचे की सिलाई है बिल्कुल उसके भी किनारी पर बिल्कुल हमने सिलाई लगा लेनी है पाइचे के नीचे। बहुत ही खूबसूरत यूनिक और स्टाइलिश हमारा ये नया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे ये मोती जो हैं, छोटे छोटे पर्ल हैं, वो रखकर स्टिच कर लूँगी इस तरह से, और ये जो पंखड़ियाँ हैं वो भी हमारी ट्राउज़र के साथ स्टिच हो जाएंगी, और साथ ही हमारा ये छोटा सा पर्ल भी इसके सेंटर में लग जाएगा। इसी तरह ही सारे पर्ल मैं लगा कर आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन है ट्राउज़र का, ईद के लिए बहुत ही ख़ास है, आपके लिए बनाया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।